चलिए, विद्युत रसायन के अंतर्गत हमने विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं जाना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, आइए इस प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से जानें। इसके पूर्व हम संक्षिप्त में जानें तो किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य विभव में अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से जानें। तो सीसा संचायक सेल का उदाहरण लेकर हम इलेक्ट्रोड विभव को जाने। तो किसी विद्युत रासायनिक सेल, जैसे हमने सीसा संचायक सेल का उदाहरण लिया, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य, जैसे विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 का विलयन डाला गया है, तो विद्युत अपघट्य के मध्य विभव का अंतर अर्थात H2SO4 में धन आयन और ऋण आयन की उपस्थिति की वजह से इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य विभव का जो अंतर उत्पन्न होगा उसे ही क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड विभव। अर्थात किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य विभव में अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अर्थात विद्युत रासायनिक सेल में जो विद्युत अपघट्य होगा उसमें उपस्थित धन आयन व ऋण आयन की उपस्थिति की वजह से इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य जो विभव में अंतर होगा उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हम इस प्रश्न के उत्तर को पुनः संक्षिप्त में कह सकते हैं, किसी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के मध्य विभव के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। थैंक यू।